सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग मामले पर एनसीबी की जांच आज भी जारी है, जहां पर कई सारे सेलिब्रिटीज के नाम अब भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में सामने आया फेमस बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली का नाम। ऐसे में अरमान कोहली की गिरफ्तारी के बाद अरमान कोहली से जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि अरमान कोहली की गिरफ्तारी के बीच अब खबर सामने आई है अरमान कोहली की एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर। जी हां, अरमान कोहली की एक्स गर्लफ्रेंड सामने आई है और एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। ड्रग मामले में गिरफ्तार हुए अरमान कोहली को लेकर आई बड़ी खबर सामने। जी हां, आपको बता दें कि अरमान कोहली की पूर्व लिव इन पार्टनर सामने आई है, जिसने किया है चौंकाने वाला खुलासा। और ये सच अगर आप भी जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, अरमान कोहली जो अक्सर कॉन्ट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं, अपनी लिव इन पार्टनर के साथ भी उन्होंने काफी कुछ किया था। फिजिकली और मेंटली उन्हें टॉर्चर किया था, जिसके बाद उनकी लिव इन पार्टनर ने उन पर आरोप भी लगाया। साल 2018 में उनकी लिव इन पार्टनर ने सिर पर लगी अपनी चोट दिखाते हुए अरमान कोहली पर लगाए हुए अत्याचारों के बारे में खुलासा किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि दरअसल सामने आया अरमान कोहली की एक्स गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा, जिसने किया अरमान कोहली पर बड़ा खुलासा। उसने बताया कि किस तरह से वो फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया करता था नीरू रंधावा को, किस तरीके से वो उसे डांटा करता था और उसे बहुत सारी गलत बातें भी किया करता था, उसके लिए अब्यूज वर्ड्स भी इस्तेमाल किया करता था। और इसी के साथ अरमान कोहली को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अरमान कोहली जो जेल के अंदर सलाखों में है, जो आज कोर्ट में भी पेश होंगे, उन्हीं की एक्स गर्लफ्रेंड सामने आई है, जिसने लगाया है आरोप अरमान कोहली पर और दिखाई है अपनी चोटों पर सिर पर लगे चोटों के निशान। बताया है कि किस तरीके से वो अक्सर उनके साथ ऐसी चीज़ें किया करता था जिसकी वजह से उन्हें चोटें लगती थी। उनके सिर पर कई सारे जख्म थे जो उन्होंने खुद इंटरव्यू में दिखाए थे और खुलासा किया था अरमान कोहली पर। ये इंटरव्यू एक बार फिर से तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फिर से उठ रही है सवाल अरमान कोहली पर। नेक्स्ट एंड लाइव सुरेश की रिपोर्ट।